प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। बंगाल की खाड़ी पर जो डिप्रेशन बना हुआ है वो पिछले 6 घंटों के दौरान हमने देखा है कि 21 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और आज सुबह 5:30 बजे वो चेन्नई से 170 किलोमीटर ईस्ट साउथ ईस्ट में था और पुडुचेरी से भी 170 किलोमीटर ईस्ट में था और अब ये और इंटेंसिफाई हो सकता है और पिछले 24 घंटों के दौरान इसके द्वारा बहुत हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल दी गई है। नुंगंबक्कम में 157 मिलीमीटर हुई है, मिनमबक्कम में 144 मिलीमीटर हुई है, तिरुपति और नेल्लोर जो साउथ आंध्र प्रदेश कोस्ट में है, तिरुपति में 79 मिलीमीटर, नेल्लोर में 52 मिलीमीटर, कुडलोर में 21 मिलीमीटर और पुडुचेरी में 34 मिलीमीटर की भारी बारिश देखी गई है। अब वेदर एक्टिविटी बढ़ने वाली है क्योंकि जैसे ही ये तट के आसपास पहुंचेगा तो इंटेंस रेन और थंडर शावर होगा और काफी ज्यादा भारी बारिश कई इलाकों में हो सकती है, यानी कि कोडलोर से लेकर के और ये काकीनाड़ा तक काफी हैवी रेन होगी। चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों में हो सकता है कि 200-250 मिलीमीटर से भी ज्यादा की बारिश हो जाए। सी कंडीशन रफ टू वेरी रफ बनी हुई है और हवाओं की रफ्तार इस समय यानी कि आज दोपहर के बाद से शुरू हो जाएगी जो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है, इसलिए सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब जब ये लैंडफॉल कर जाएगा उसके बाद लो प्रेशर एरिया बन जाएगा और साउथ इंटीरियर कर्नाटका यानी बेंगलुरु और उसके आसपास के इलाकों के साथ साथ जो इंटीरियर तमिलनाडु उसमें भी भारी बारिश दे सकता है। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।